सहारा इंडिया के छत्तीसगढ़ का 600 करोड़ रुपया निवेश, मैच्योरिटी के बाद भी भुगतान न करने पर दिवाली कर दी फीकी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी न्यूज आपको एसटी न्यूज चैनल से दी जा रही है। वेलकम बैक टू माय चैनल सभी पल्स निवेशक साथियों का और हमारे सहारा निवेशक साथियों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, पल्स निवेशकों के 49,100 करोड़ रुपया भी सी विभाग लेकर बैठी हुई है और इधर आपके एक ही राज्य के 600 करोड़ रुपए का निवेश मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी सहारा निवेशकों को नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों, ऐसे में पल्स निवेशकों ने एक बड़े संगठन को बनाया। जी हाँ दोस्तों, पल्स निवेशकों के 49,100 करोड़ रुपए जो सी विभाग को देने हैं, तो दोस्तों वह प्रक्रिया उन्होंने इतनी धीमी करी हुई है कि निवेशकों को फिर से एक बार मोदी जी का घेराव करने का एक बड़ा धरना लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपकी न्यूज़ की बात कर रहे हैं कि आपके निवेशकों में इस वक्त क्या चल रहा है। मैच्योरिटी के बाद भी रुपया वापस ना करने पर एजेंटों में आए दिन लोगों में मारपीट होती रहती है। अक्सर इस तरह की हमारे पास न्यूज़ आती रहती हैं। तो दोस्तों, हम आपको कह रहे थे कि 600 करोड़ रुपए का जो इस वक्त एक ही राज्य का मामला है, तो ये रायपुर सहारा इंडिया कंपनी की अलग अलग स्कीमों से राज्य का 600 करोड़ रुपए डूबने का कगार पर खड़ा है। यहाँ हालात यह है कि लोगों के द्वारा निवेश किए गए धन की मैच्योरिटी का समय पूरा हो जाने के बाद भी 2 साल के बाद पैसा नहीं लौटाया जा रहा है। कंपनी के अधिकारियों और एजेंटों का टकराव इस वक्त दोस्तों बना हुआ है। वह उनकी मैच्योरिटी के पैसे का दूसरे प्लान में लगा दें, लेकिन लोग अपना पैसा मांगने के लिए अड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इनके एजेंट हैं वो कह रहे हैं कि भाई इनको कन्वर्ट कराओ, लेकिन निवेशक इस बात को राजी नहीं है। वह अपना पैसा मांग रहा है और पैसा ना लौटाने के चक्कर में एजेंटों में और निवेशकों में अक्सर मारपीट होती रहती है। एजेंट भी अब निवेशकों के साथ हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि एजेंट भी निवेशकों के साथ हो चुके हैं और इस वक्त जो ऑल इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा धरना जी हाँ दोस्तों होने जा रहा है निवेशकों के हितों के लिए, जिसमें सभी संगठन, चाहे वो सहारा के, पल्स के, साई प्रसाद के, कल्पतरु के, आदर्श के, नवजीवन के, ना जाने कितने, एक साथ इकट्ठे होकर मोदी जी के आवास का घेराव किया जाएगा और बहुत जल्द ही 6 नवंबर को ये कार्यक्रम जी हाँ दोस्तों चालू किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के लिए बहुत लंबे वक्त से इस वक्त ये कार्य चल रहा है। सभी चिटफंड कंपनियों के जो पीड़ित निवेशक हैं, वह अपने बैनर के तले 6 नवंबर को दिल्ली स्थित रामलीला मैदान पर एकत्रित होंगे और वहां पर एक बड़े धरने में जी हाँ दोस्तों एक बड़े समूह में ये सब धरने सम्मिलित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी मांग मोदी जी से इनडायरेक्ट की जाएगी। तो दोस्तों, हम आपसे बता रहे थे कि आपका जो इस वक्त समस्या चल रही है वो बहुत गंभीर है, तो आप लोगों को भी अपने बैनर तले एकजुट होकर वहां पर उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, ताकि आप लोगों का भी वहां पर समाधान हो। क्योंकि सभी निवेशकों की, जितने भी पल्स के हों या किसी भी कंपनी के, सभी निवेशकों के लिए ये धरने किए जा रहे हैं और ये आर पार की लड़ाई का धरना है दोस्तों। इसमें अगर सम्मिलित आप हो जाएंगे तो आपका पैसा मिलना सुनिश्चित होगा, अन्यथा पैसे की कोई गारंटी नहीं ली जाती। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज आपको एसटी न्यूज चैनल से आपको आगाह करने के लिए, आपको सचेत करने के लिए दी जा रही है। अगर आपको ये न्यूज पसंद आती है तो हमारे एसटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो मिलता है दोस्तों फिर किसी अच्छी अपडेट के साथ, तब तक के लिए यश खान को ज्यादा धन्यवाद।